नमस्कार। मैं आज आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो घर में ये कुर्सी थी, तो समस्या ये थी कि जब अगर लिखना हो या लैपटॉप करना हो तो इस कुर्सी पर बड़ी समस्या थी। कोई टेबल नहीं है, अगर फट्टा रखो तो, अगर लैपटॉप रखो तो मुश्किल है कि फट्टा फिसल गया तो लैपटॉप गिर गया, टूट जाएगा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो मैंने मार्केट में सर्च की तो कुर्सियाँ जिस पर टेबल लगा है 2500 3000 के करीब मिल रहे थे। और अगर मैंने एक दूसरी कुर्सी खरीदी थी ये मेरे को पड़ी 4000 के करीब, पर इसमें आगे टेबल नहीं है तो टेबल के साथ ही प्रयोग करना पड़ता है। तो मैंने एक सोल्यूशन के साथ आया। अब मैंने उस फोल्डिंग कुर्सी को, मैंने यहाँ पर ये फेल्डिंग करके रॉड लगाई, ठीक है, और यहाँ पर ये क्लैंप्स लगा के साइड पर ये मैंने टेबल बना दिया। अभी ये क्लैंप्स का ये फायदा है कि आप इस टेबल को घुमा के इस तरह रख सकते हो, और यहाँ पर ये आर्म है, ये आगे स्लाइड हो जाती है, तो आप यहाँ पे इसको फट्टे को रख सकते हो, जो आपका स्ट्रेट टेबल बन गया है। और स्पेस की भी कोई समस्या नहीं, अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो आराम से लिख सकते हैं। और दूसरा है इसके, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें क्लैंप लगे ना, इसको आगे कर लो तो और कंफर्टेबल हो जाता है, अगर लिखना हो तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं। और अगर लैपटॉप करना है तो आप आराम से लैपटॉप भी रख सकते हो। और दूसरी बात, वो हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक होता है कि, तो उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा पीछे कर लो तो आराम से हो जाता है, एक आर की दूरी, तो आराम से आपकी आई साइट पर भी फर्क नहीं पड़ेगा और टाइपिंग भी आराम से हो जाती है। और जब आपने कर लिया सारा काम तो अगर उठना है तो आराम से इसको पीछे साइड पे किया और ये स्लाइड हो जाता है पीछे, तो ये काफी अच्छा, मेरे को काफी अच्छा लगा। और आप ये इसे घर में बना सकते हैं। यहाँ पे आपको रॉड वेल्डिंग करनी पड़ेगी, क्लैंप लगा के, ये कारपेंटर से आप करवा सकते हो सनमाइका लगा के, और यहाँ पर भी वेल्डिंग करवानी पड़ेगी अगर आपको ये आर्म चाहिए स्लाइडिंग, तो ये आप आराम से करवा सकते हो। और अगर आप हमसे सलाह करना चाहते हैं तो हमारी ऐप में दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।